आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा है कि हर जगह लिंक्स ही लिंक्स आप लोगों को नज़र आते हैं। कभी आप एक वेबसाइट पे जाएं उधर लिंक, कभी आप दूसरी वेबसाइट पे जाएं उधर भी लिंक, हर जगह लिंक्स ही लिंक्स आपको इंटरनेट पे नज़र आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये लिंक्स क्या कहलाते हैं? ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड लिंक्स, बट व्हाट क्लास ऑफ लिंक्स आर दे? दीज आर कॉल्ड HTML लिंक्स। HTML इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक लैंग्वेज जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें बनाए जाते हैं। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशनल पार्ट ऑफ द इंटरनेट। इसीलिए आपको ये HTML लिंक्स हर जगह नज़र आएंगे, बार बार नज़र आएंगे। मोबाइल पे जाएंगे तब भी नज़र आएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तब भी नज़र आएंगे, फेसबुक पे जाएंगे तब भी नज़र आएंगे, हर जगह आपको ये HTML लिंक्स नज़र आएंगे। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये HTML लिंक्स हैं क्या और किस तरह से आप इन HTML लिंक्स को अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हाइपर लिंक्स। ये लफ्ज आपने शायद पहली दफा सुना हो, हाइपर लिंक, बट दिस वर्ड इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेट। तो हाइपर लिंक्स को ना भूलिएगा, जिनको HTML लिंक्स भी कहा जाता है या जिसको URL भी कुछ केसेस में कहा जाता है। ये हम आपको सिखाएंगे इस लेसन में ऐड करना टू योर वेबसाइट। व्हाट आर हाइपर लिंक्स? हाइपर लिंक्स आर लिंक्स फ्रॉम वन वेब टू अनदर लोकेशन। आपके पास ये जो पूरी इंटरनेट की एक दुनिया है, दिस इज फॉर्म्ड ऑन स्मॉल लिंक्स। हर एक लिंक एक दूसरे वेब लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है। इसीलिए जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक जाता है किसी एक दूसरे लिंक की तरफ। दिस इज हाउ द इंटरनेट ऑपरेट्स, दिस इज हाउ द इंटरनेट वॉज बिल्ड। सो इट्स वेरी क्रूशल टू नो व्हाट HTML लिंक्स आर एंड हाउ यू कैन यूज देम टू क्रिएट अ वेरी गुड नेविगेशन फॉर योर वेबसाइट। HTML लिंक्स allow you to create navigation patterns. So HTML links karte kya hai? HTML links allow you to create this navigation between your website through which you can link pages, through which you can link media, through which you can link different files. Link kaise karna hai, kyun karna hai, ye aap pe depend karta hai. Koi aapko batayega nahi ki is cheez ko isse link kar lo. Aapne decide karna hai कि किस चीज़ को किस से लिंक क्यों करना है। डू यू वॉन्ट टू लिंक समथिंग बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू विजिट अ वेबसाइट? डू यू वॉन्ट टू लिंक समथिंग बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू ओपन एन इमेज? डू यू वॉन्ट टू लिंक समथिंग बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू डाउनलोड अ फाइल? लिंकिंग करना, कैसे करना, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। लिंक्स दिखते किस तरह के? लिंक्स का एक सर्टन कोड होता है विच इज कॉल्ड एन ए टैग, और मैं आपको ये कोड आगे दिखाऊंगा भी। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट वॉन्ट टू कोड, आपको भी एक तरीका बताया जाएगा आप लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू डू इन दिस कोर्स इज वी वॉन्ट टू टीच यू कि कैसे आप थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी सीख सकते हैं, स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टू HTML। सो HTML इज डिफाइंड बाय एन ए टैग। सो इसकी ब्रैकेट शुरू होती है एंड फिर उसके बाद आप ए लिखते हैं एंड देन उसकी ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं H रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस का जो एट्रीब्यूट है। और ये कोड आपको हम दिखाएंगे भी लाइव W3Schools पे, ताकि आपको नज़र आए कि ये कोड एग्जैक्टली है क्या या ये कोड करता क्या है। बट इम्पॉर्टेंट टू नो कि वो जो H रेफरेंस टैग है, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि आपका लिंक जाएगा किधर और लोग उसको जब लिंक को खोलेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा। सो वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके जहन में आएंगे वो ये है कि जी हाउ डू वी स्पॉट अ हाइपर लिंक? कैसे हमें पता लगेगा कि एक हाइपर लिंक हमारे सामने है, या कैसे हम अपने यूज़र्स को बता सकते हैं कि हमारे उनके सामने एक हाइपर लिंक है जिस पर उन्होंने क्लिक करना है? सो यूजली अगर आप गूगल की एग्जाम्पल लें, तो गूगल पे जब भी आप कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो आपको गूगल ब्लू में कुछ रिजल्ट्स देता है। दोज आर हाइपरलिंक्स एंड दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ हाइपरलिंक एंड हाउ इट वर्क्स। गूगल
operates on information and information ko link jis tarah wo karta hai, those are through hyperlinks. Google ke case mein ye links aapko blue nazar aate hain, lekin aap pe depend karta hai aap kis tarah ki theme use kar rahe hain. Based on your theme you might see these links as blue, as red, as green. Aapki theme pe depend karta hai ki ye links aapko kaise nazar aayenge. How to add hyperlink? Hyperlink ko add karne ka ek bahut hi simple tarika jo hum explore karenge wo ye hai ki aapne apne text ko highlight karna hai, aur ye aap tab karenge jab aap ek post ya page ko editor mein apne khol le. Text ko aap highlight karenge aur wahan pe you will click on the link in the text editor or the toolbar. Jaisa ki you are seeing here right now, this will allow you to add link very easily. Ek cheez aapne zehen mein rakhni hai ki agar aapka URL ka koi incorrect syntax aap dal dete hain to WordPress usko show karega red color mein dikha ke ki aapne galat link add kiya. You need to fix it, as you can see here. So this is very much important to know ke WordPress aapko kis tarah ki alarms deta hai, flags deta hai, so to know ke लिंक सही ऐड हुआ है कि नहीं हुआ. आप साथ में सेटिंग्स आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं टू गेट मोर ऑप्शंस. दोज ऑप्शंस विल गिव यू एडेड फंक्शनैलिटी टू कस्टमाइज दोज लिंक्स. यूआरएल इज द पेज और वेबसाइट वेयर यू वुड लाइक पीपल टू गो. सो ये चीज ध्यान में रखिएगा. लिंक टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट ऑन द लिंक टू अपियर. ओपन लिंक इन अ न्यू टैब. ये सेटिंग ये करेगी कि इट विल अलाउ द यूज़र टू ओपन द लिंक विदाउट मूविंग ऑन फ्रॉम योर करंट पेज. तो ऑटोमेटिकली एक नए टैब में ये लिंक खुल जाएगा. क्वेश्चन आपके होंगे क्या आई कैन ऐड एन अ लिंक टू एन इमेज. शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, येस यू कैन. वी विल टीच यू हाउ टू डू दैट. कैन आई ऐड लिंक टू एन इमेज और अ फाइल टाइप. किसी और फाइल टाइप पर अगर आप ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं. If I add a URL, will it automatically be hyperlinked? Not necessarily. ये भी मैं उसको आपके कुछ examples दिखाऊंगा. Any helpful plugins related to this? Yes, there is a plugin called Auto Hyperlinks. We will actually test that plugin. So now let's quickly add a link to your website, a hypertext link. So we'll go to DigiSkills की जो मैंने website एक अपनी 000 web host पे बनाई हुई है. Quickly going to log into the website, and from there we will create a new post. Main iska title dunga, I am adding a link to this post. Aur yahan pe aapko ek do tarike main bataunga link add karne ke. Pehla to ye hai ki aap koi bhi ek line likhein. This is a dummy text, aur aap is line mein jo text hai वो सिलेक्ट कर लें. टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंसर्ट एडिट लिंक ऑप्शन नज़र आएगा. आप उसको क्लिक करें और google.com ऐड करने की कोशिश करें. तो ये मैंने जानबूझ के गलत लिंक ऐड किया. क्यों? ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि गलत लिंक ऐड करने पे वर्डप्रेस आपको दिखाएगा द लिंक इज रॉन्ग. सो आपकी लिंक का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मार्कअप होता है, वो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे सो इट विल शो एन एरर. अब मैं सही लिंक ऐड करता हूँ. सो आई विल ऐड google.com एंड यू विल सडनली सी के लिंक ब्लू हो गया. सो लिंक हैज़ बीन एडेड. सो आई कैन क्लिक ऑन इट एंड नाउ आई विल सी कि ये मुझे google.com भी दिखा रहा है. सो ये एक कुछ ऑप्शंस हैं इसको एडिट करने की, देखने की. फिर यहाँ पे कुछ लिंक ऑप्शंस हैं डिटेल में, जो भी हम आपको एडिटिंग के तौर पे ज़रा डिटेल में बताएंगे. बट दिस इज़ अ सिंपल वे टू ऐड अ लिंक. आई कैन क्लिक ऑन पब्लिश एंड जैसे ही मेरी पोस्ट पब्लिश हुई है आई ओपन इट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड यू विल सी कि यहाँ पे थीम में चूंकि ब्लू लिंक ऐड हो रहा है सो यहाँ पे भी ब्लू लिंक नज़र आ रहा है. एंड व्हेन आई ओपन दिस सो इट विल ओपन दिस इन अ न्यू टैब एंड google.com खुल जाएगा. सो इट्स प्रिटी ईजी टू ऐड अ लिंक, जिस तरह मैंने आपको बताया. The other way to add a link is to code it. Code हम किस तरह करेंगे? जिस तरह HTML का एक code होता है, a tag वाला. So let's say अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this is a dummy text.
I can write a code href google.com. और अब आप देख रहे हैं कि मैंने किया क्या है, कि मैंने एक कोड लिखा है जिसने उसको रैप कर दिया है उस जो हमारा लिंक टेक्स्ट था. सो दिस इज हाउ अ सिंपल इट इज़ टू ऐड अ लिंक. विजुअल पे मैं जाऊंगा तो आप दोबारा देखेंगे कि आपको जो है ना लिंक ऐड हो गया है. आई कैन क्लिक अपडेट. सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़ टू ऐड अ लिंक. आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट, सेल्फ असाइनमेंट में डालूंगा, वो ये कि आप गूगल पे जाएं और कोई भी एक क्वेरी लिखें. सो वील राइट अ क्वेरी, How to add HTML links. और देखें कि यहाँ पर Google कैसे links create करता है. This is exactly what links are. और आपको एक site मिलेगी W3 Schools. W3 Schools पर जाके hyperlinks के बारे में ज़रा ज़्यादा पढ़ें, ताकि you get to know how to add links to your website, because adding links is going to be very crucial in your learning journey to understand कि आपने किस चीज़ को कैसे link करना है. अगले lesson में we'll teach you how to add links to images and how to edit those links to do more. But for now, go online, go to W3 Schools and study about HTML links.